गरीबों के निवाले पर हीरे से भी ज्यादा टैक्स, क्या जनहित में फैसला होगा वापस? किसान के सस्ते अनाज को महंगा बेचने वाले क्यों घबराने लगे? किसानों के खाते में आने वाली रकम बढ़ेगी या उसकी भरपाई होगी? जब सरकार फ्री बांटती है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब टैक्स बढ़ाती है तो सियासी संग्राम छिड़ जाता है। जिसने मोदी को वोट दिया और जिसने नहीं दिया, वो दोनों आटे और चावल पर टैक्स बढ़ाने से नाराज हो जाते हैं। सड़क से लेकर संसद तक जमकर प्रदर्शन होते हैं, हजारों दाल मंडियां बंद हो जाती हैं। व्यापारी कहते हैं कि हम महंगा खरीदेंगे तो फिर जनता को कैसे सस्ता बेचेंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हीरे पर टैक्स बढ़ाकर 1.5% कर दिया गया, जबकि आटे पर GST की दर बढ़ाकर 5% कर दी गई। मतलब सरकार की नजर में हीरे से ज्यादा महंगा आटा हो गया। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल GST काउंसिल के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, ये बाध्यकारी नहीं है। अगर राज्य सरकार नहीं चाहती तो इसे लागू नहीं कर सकती। मतलब सीधा और सपाट ये है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो आपको राहत दे सकती है, या फिर विरोध के बाद मोदी सरकार इसे वापस भी ले सकती है। क्योंकि जब जनता की मांग जोर पकड़ती है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। हालांकि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, एक बार जब कीमत बढ़ गई सो बढ़ गई, उसे सस्ता कर पाना काफी मुश्किल होता है। इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जब पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ तो आपने किसी ऑटो या बस ड्राइवर को किराया सस्ता करते हुए देखा या सुना? महंगाई को लेकर जो लोग मोदी सरकार को इसका कसूरवार मानते हैं, अब वो भी समझिए कि वाकई में दिक्कत है क्या। दाल चावल आटे का पैकेट जो 25 किलो का है, उस पर 5% GST लगेगी। 25 किलो से कम का पैकेट खरीदकर खुदरा बेचने वालों पर GST नहीं लगेगा। दही, लस्सी, छाछ, पनीर, शाही और ब्लेड सब पर GST की दरें बढ़ा दी गई हैं। जनता जो पहले से महंगाई से परेशान थी, उसे इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन ज्यादा नुकसान उनका होगा जो सस्ता गेहूं लेते थे और महंगा आटा देते थे। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार खरीदना तो हमें ही है, हमें ही महंगा मिलेगा, तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ विरोध से नहीं हो सकता, कुछ और कदम उठाने होंगे। कुछ लोग इसकी तुलना अंग्रेजों के लगान से करने लगे हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। अब तक आटा दाल चावल पर सरकार ने छूट दी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि उस पर टैक्स नहीं लगता था। पहले की सरकारों में भी ये टैक्स की दरों में आता था, बस तरीका अलग था। जब आप दिए हुए छूट को वापस ले लेते हैं तो विरोध तो होता ही है। अब श्रीलंका की हालत को देखिए, वहाँ अनाज का संकट है। भारत में भी गेहूं के संकट की खबरें सामने आ रही थी, भारत ने इसका निर्यात बंद किया, फिर राशन कार्ड वापस लिए जाने की अफवाहें उड़ी, लेकिन बाद में सरकार ने कह दिया सब ठीक है। अब जब आटे पर GST लगा तो सवाल फिर से उठने लगे कि क्या देश का खजाना खाली हो गया या बात कुछ और है। दरअसल GST से सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। मई 2021 की तुलना में मई 2022 में 44% GST कलेक्शन बढ़ा, 1,41,000 करोड़ रुपए सरकार को एक महीने में मिले। यानी सरकार के खजाने में पैसा तो है, तो फिर आप सोचेंगे कि टैक्स क्यों बढ़ाया गया। इसका जवाब ये भी हो सकता है कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाली मोदी सरकार कोई नई स्कीम के लिए पैसा जुटा रही है, या फिर किसानों के खाते में जो 2,000 रुपए जाते हैं उसे भी बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि किसान से सस्ता खरीद कर महंगा बेच कर धन कुबेरों ने तो खूब कमाया, लेकिन किसान को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।